هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله تعالى كفضل وكرمه इस दर्स में हम शरीक हैं अल्लाह इस दर्स की बरक़त से दूसरे दुनियावी मामलात अल्लाह ताला हल फरमा देते हैं आज हमारे साथ जो गुफ्तु है मिन في फ़िल بما يعني. सलफ़ उनके बारे में जब जिक्र किया जाता है कि कैसे उनके अहवाल होते थे कैसे उनकी आदतें और खसलतें होती थीं, तो उन्हीं चीज़ों में अपना वक्त लगाते थे जिससे उनको दुनिया और आखिरत का फ़ायदा होता था जिसमें फ़ायदा नहीं है उसमें वो खाम अपनी कोशिशों को उसमें सर्फ नहीं करते थे इसीलिए कहते हैं इश नफ्सक, नफसक फ़ीमा यीनक अदून अपने आप को उस काम में लगाओ जो तुम्हारे लिए फायदामंद हो सूदमंद हो फ़िया का तुम मिया का अंतमक्की न शैतानम थी अफकारिक इस बात से बचो कि शैतान तुम्हारे अंदर ऐसी फ़िक्र पैदा करे कि तुम अल्लाह ताला से गाफ़िल हो जाओ इसलिए कि शैतान एक लंबी इबारत है जो इब्ने इबन रहा ने यहाँ लिखी है कि शरफ़ की आदत और खसलत कैसी थी कैसे वो बेकार कामों में जाते नहीं थे तो इसीलिए इब्ने रज़ी अब्बा अन्हुमा कहते हैं लात फ़ी मा ला फ़ैन न فضل तो कहते हैं कि जो बात भी करो तो बेकार बात न करो ऐसी बात करो जो तुमको फ़ायदा मंद हो जो तुम्हें फ़ायदा दे सके बेकार की बात न करो जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत की नुकसान का बायत हो इसीलिए एक अच्छी हदीस है जिसके बारे में कहते हैं अरबाती अहादीस चार हदीसों में से एक हदीस ऐसी हदीस है जिसको ने मदारुल इस्लाम करार दिया है क्या मतलब उसका इस्लाम की कसौटी चार हदीसें उसमें से एक हदीस है मिन इस्लामर तरकहू मला एक अच्छा मुसलमान ऐसे बातों में दखल नहीं देता जो उसके मतलब की नहीं है कोई भी तो लोग बात करते रहेंगे खामा ख़िनुजा को बाजू बैठ को क्या करेंगे चुप कि उनके बातों में दखल देंगे सही नहीं है जो चीज़ आपसे मुत्ल नहीं है यह हदीत है जो इमाम तिरमिदी ने इसको रिवायत किया है मिन इस्लाम हैसन इस्लामर माला यानी एक अच्छे मुसलमान की निशानी है कि वो ऐसी चीज़ों में दखल नहीं देता है जो उससे मुत्ल नहीं हैं हसन इस्लामर अच्छे मुसलमान से क्या मुराद है उसका ईमान मुकम्मल है और आला दर्जे को पहुंच चुका है उसके अंदर इस्तेकामत है और उसके अंदर तबात कदमी है तो आप ऐसा करें कि जो बात आपसे मुतालिक नहीं है उसमें खाम खा का आप दखल न दें इसीलिए कहते हैं इदा अहसन अहदुकुम इस्लामा इस्लाम जब किसी का इस्लाम अच्छा हो जाता है पकुलसन या अमलहा तुख तब अशरिहासबैफ हर वो काम जो आप करते हैं दस से बढ़ा कर सात सौ नेकिया आपको मिलती हैं कितनी एक कब जब आपका ईमान मुकम्मल हो जाए तो एक नेकी का अजर तो मिलता है दस गुने लेकिन दस से बढ़ाकर सात सौ गुने तक मिलता है वकुल सती तीन यह अमल उहा तुख तब अगर कोई बुराई हो जाती है तो अल्लाह उसके बराबर गुनाह लिखते हैं एक एक बुराई का बदला एक गुनाह लेकिन नेकियों का बदला एक का बदला दस या दस से भी बढ़ाकर सात सौ सेवन हंड्रेड टाइम्स तो इसीलिए अल्लाह तबकर आया नंबर वन नाइन्टी फाइव में अल्लाह ने फरमाया व आहसिन नेकी करो बेशक अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद करता है तो सबसे पहली चीज़ जैसे कहा नकिया आप कहाँ कहाँ करेंगे आज अल्लाह ताला हम सबको बचाए रखे नकियाँ हम कितने करते हैं ये नहीं मालूम लेकिन बुराइयाँ तो बेहद हमारे अपनों से होती बुराइयाँ आपसे होती हैं इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिताल देकर समझाया कि माअपसद जाए यानी दो अगर भूखे भेड़िए अगर बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं तो भेड़िए तो कितनी बकरियां खाएँगे कितना नुकसान होगा उससे ज़्यादा नुकसान उस आदमी का होता है जो फेमस होने के लिए झूठ बोलता है क्या करता है फेमस होने के लिए कुछ भी करेगा किसी को भी कुछ करेगा किसी की बेइज्जती ही करेगा इसीलिए इसमें बताया गया अल अल अलमुसलिमसलीसानी वी एक अच्छी बात मैंने सुबह पढ़ा था कुछ लोग अपनी जबान से दूसरों को उतना तकलीफ देते हैं जितना अगर उसे कतल कर दें तो उतनी तकलीफ नहीं होगी लेकिन जबान से वो क्या करते हैं ख़तल से बदतरीन गुनाह करते हैं उसका फ्यूचर उसकी ज़िंदगी उसकी इज्जत खाक में मिलाने की कोशिश करते हैं अल्लाह हिफाजत करता है बात अलग है लेकिन अपने किसी मुसलमान भाई के ताल्लुक से रोज़ाना सुबह उठ के फ़ोन लगाएंगे इन से उन से इन से ये काम दूसरा कोई काम है नहीं अल्लाह ने फ्राख दिली दी है कोई फिक्र नहीं वेल सेटल्ड क्या करेंगे हाँ इन नंबर एड अद नंबर एड ये इसके अलावा कोई काम है नहीं तो अल्लाह ताला से ऐसे लोगों को डरते रहना चाहिए अल्लाह ताला के अजाब से डरते रहना चाहिए इसीलिए अल कहामुसलिम सलिम अलमसलिम ही वी मुसलमान वो है जिससे दूसरे मुसलमान उसकी ज़बान और हाथ से बचे रहे मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ अपने साथियों से आप इस हदीस को अपने दिल में बिठा लें आप मुसलमान हैं मैं मुसलमान हूँ तो दूसरे मुसलमान हमारे हाथ से भी बचें जबान से भी बचें आज ये हमारे में बहुत होता है हमारी जबानों से शायद बहुत कम मुसलमान बचे हैं किसी को हमने छोड़ा नहीं क्या करम साहब किसी को हमने बख्शा नहीं है तो कोशिश करें कि लोगों की इज्जत पर हम कुछ ना कहें लोगों की बहरहाल अगर किसी में आयब होता है तो आप उसे बिलमुशाफा कह सकते हैं कि आपके अंदर ये कंप्लेंट है आपके अंदर ये आयब है आप इसे सुधार दीजिए देखिए लेकिन वामिन इश्तार्मर बीमारा यानी दूसरों की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ आप इंटरफेयर होते हैं वकैफियाती माशी ख़ाम खा एक से पूछना क्या तुम्हारा बिजनेस क्या तुम्हारा क्या, तुम क्या तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहते हैं हाँ? कोई कमजोर है गरीब है फकीर है मोहताज है आप उसे पूछ सकते हैं कि भाई कैसे आपका जीना चल रहा है रोजी रोटी में कोई तकलीफ तो नहीं है अगर आप उसकी मदद करने वाले हों खाम हर एक से उस आदमी कभी भी कोई भी सामने वाला अगर आपसे पूछता है आपका बिजनेस क्या है तो मतलब वो आपका ग्रेड लगाना चाहता है ये बी सी आपका जॉब आपकी बिजनेस आप क्या ये देखकर वो आपको एक ग्रेड दे देगा उसके बाद उसी हिसाब से वो आपसे सलूक करेगा आपके कॉल उठाना कि नहीं उठाना आपसे क्या फ़ायदा है उसी हिसाब से वो आपको ग्रेड दे के ये बी सी में रख देगा ख़लास लेकिन अच्छे लोग कभी किसी से क्या नहीं करते हैं ऐसी बातें नहीं पूछते हैं इसीलिए शेख ने लिखा है व कैफियाती माशी हिम व मकदारी तहसील हिम कितना आपको महमाना मिल जाता है बिज़नेस करो क्या भी करो महान आप कितना पगार ले लेते हैं कितने पैसे आपके जमा हो जाते हैं वलबह तो फ़ी तफासिर अहवा रिम फ़ी अनफ हिम लोगों के पर्सनल लाइफ में या उनके बच्चों में उनकी बीवियों के बारे में ये सब सारी चीज़ें हमको ज़रूरत नहीं है हाँ अगर आप कोई खैर करना चाहते हैं तो बात अलग है वतद फ़ी मुश्किलती हिम उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में खाम खा आप उनसे सवाल करें हाँ किसी को आप ताउन करना चाहते हैं मुश्किल हल करना चाहते हैं तो ठीक है आप कर सकते हैं लेकिन अच्छा कभी क्या होता है किसी से हमने पूछ लिया और कुछ नहीं कर पाए सामने वाले को एक उम्मीद हो जाती फलां साहब पूछे क्या तो भी करेंगे उन्होंने देखा हमने मुसीबत को दोबाला कर दिया पहले से वो मुसीबत ज़्यादा था पूछ के क्या कर दिया हमने सामने वाले को उम्मीद हो जाती है अच्छा अपना साहब पूछे क्या तो भी करेंगे उनको मालूम हुआ मेरी हालत तो आप अगर कर सकते हैं तो कीजिए या दूसरों से करवा सकते हैं तो दूसरों से करवाइए देखिए वर्मिंदा अलख मसाइल वीन बिजहिला इससे भी बढ़कर आदमी जो दूसरे मामले में जाता है वो इल्मी मामला में दीन के मामला में मैं कोई ऐसा आदमी है जो इल्म उसके पास नहीं तो लोगों से इल्म सीखे दीनदार नहीं है दीन सीखे आपके पास इल्म नहीं दीन नहीं लेकिन आप मेंबर हैं मुतवली हैं आप क्या करना चाहते हैं आप फिर इमाम को गाइड कर दें ऐसा पढ़ो इनके पेट में हर्फ नहीं लेकिन क्या करते हैं इमाम साहब को जो शेख साहब हैं मौली साहब हैं उनको आप क्या करना चाहते हैं ये करना चाहते हैं बोला कि आप अपने जो काम है वो काम कीजिए आप ज़िम्मेदार हैं तो आप जितना काम कर सकते हैं अच्छा मस्जिद में क्या क्या ज़रूरत है लाइट अच्छा पानी हसीर ए चलता कि नहीं चलता आप ये देखिए क्या पढ़ाना है कब पढ़ाना है कितनी देर पढ़ाना है ये कौन देखेंगे जो इमाम हैं जो हैं जो वरतुल्बिया है वो लोग देखेंगे इसीलिए हमने हमेशा कहा आलिम बोले जाहिल, खामोश रहे सारे मामला क्या हो जाएंगे हल हो जाएंगे अगर उल्टा होता है तो मामला मुश्किल होता है देखिए वल वलकलम बग़ैर बग़ैर इल्म के हम अल्लाह ताला के बारे में बातें कहते हैं तो अल्लाह ताला ने इसीलिए लोगों को बताया है या सुब ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالفحشاء انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون شيطان پہلے تو بتایا کہ دیکھیے दुनिया में जितनी हलाल चीजें हैं उसे खाओ खाम करो ये हलाल की नहीं हलाल की अगर हलाल है खाओ वाला शैतान शैतान के नक्श कदम पर न चलो शैतान की क्या नहीं करो पैरवी ना करो इसलिए कि शैतान तुम्हारा दोस्त है खुला दुश्मन है। इन मुबीन शैतान क्या करता है शैतान तुम्हें बुराई का हुक्म देता है वल फ़हशा फहश का हुक्म देता है मा ला तारमुन और इस बात का हुक्म देता है कि तुम वो कहो जो तुम नहीं जानते हो शैतान वरगलाता है खामखा कुछ कहो Uh, कल भी मैंने एक का वीडियो देखा छोटा बच्चा है अभी दाढ़ी भी नहीं आई है लेकिन वो पीछे इतनी सारी किताबें रख के वो खुद बयान दे रहा है सवालत का जवाब देता है ऑनलाइन क्या करता है लोगों के सवालत का जवाब देता है ऐसे सारे जेंटलमैन हैं जो मुफ्ती साहब बन गए हैं हा? अब की ज़रूरत बाकी नहीं रही ये सारे जेंटलमैन क्या करेंगे फतवों का जवाब देंगे मैं बताता हूँ आपको देखिए बड़ा ताजुब होगा आपको अभी छोटा सा मुन्ना सा बच्चा है वो जवाब दे रहा है अच्छा वाख और बिजहली तो इस तरह आगे चल कर वो कहते हैं करबाशरा किबे अल्लाह तड़े बड़े गुनाह और अल्लाह के साथ शरीक करने वालों के बारे में कहा तो वही कहा कितुल्ला तम आराफ आया नंबर थर्टी थ्री अल्लाह के बारे में आप ऐसी बातें कहें जो आप जानते नहीं तो मालूम यह हुआ कि मैं बहस मुसलमान जितना मुझे मालूम है वह मैं अमल करूँगा मैं खामखा लोगों के मामला में ज़िंदगी में दीन के बातों में जो मैं नहीं जानता मैं उसमें सर क्या नहीं करूँगा नहीं डालूंगा लिश्तार फी لا يعني كثير इसलिए कि अगर ऐसी बहुत सारी बातों में आप जाएंगे तो हराम में पड़ जाएंगे गुनाह में पड़ जाएंगे अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हदीस में फरमाया الناس ذنوبا اكثرهم كلاما فيما لا يعنيهم सबसे ज़्यादा गुनाहों में वो लोग पढ़ते हैं जो ज़्यादा बोलते हैं अल्लाह ज़्यादा बोलते नहीं तो इसीलिए शेख हनीस का जुमे का ख़ुतबा कितना होता है बीस मिनट बीस मिनट से ज़्यादा नहीं देते हैं। पहले पच्चीस मिनट देते थे अब आप तो शेख हनीस अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए सेहत व आफियत दे तो आपका इल्म मुसम है हम लोग जानते हैं आपके इल्म की बातें जब इतने बड़े आलिम अगर बीस मिनट देते हैं तो हम जो तिफले चूचू हैं हम लोग क्या देना है हमको हमको और कम करना है हमको और कम करना है इतना इतना इल्म हम लोग क्या नहीं करेंगे जितना बड़ा आलिम है उतना उतना कम वक्त में क्या करता है वो अल्लाह तारा के पास इल्म देता है देखिए توفي अल्लाह के नबी वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी वफात पा गए सहाबी की वफात होगी फ़काल रजोल अब शर बिलचन्ना तो एक दूसरे सहाबी ने कहा कि ये जन्नती हैं उन्होंने क्या किया जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी जन्नती हैं बहरहाल उन्होंने बहरहाल साहबी उन्होंने कहा कि जल्दी किया बोला अब शर फ़काल रसूल सल्ला वसलम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरे कैसे आप बोलते हैं कि वो जन्नती हैं ला तदरी आपको नहीं मालूम कि उन्होंने कोई ऐसी बात कही हो जो उनको उनके ताल्लुक़ की नहीं हो बखीला बीमाल युग, युगनी यानी किसी चीज़ पर उन्होंने बखालत की हो कोई ऐसी आई बा, बात जबान से निकाली हो जो उनके सब्जेक्ट से नहीं तो मालूम क्या हुआ जो हमारे से ताल्लुक़ नहीं है उसके बारे में हम ज़्यादा क्या नहीं करें बात बात नहीं करें नहीं हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें हमेशा लोगों के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर होना जैसे मैंने बताया आपका बिजनेस क्या आप कितना कमाते हैं जरूरत नहीं हमको जरूरत है जरूरत नहीं हाँ किसी को सपोर्ट करने के लिए हेल्प करने के लिए आप गरीब के बारे में आप पूछ सकते हैं के वाड़े बीटा वाड़े कुड़क सुनता ऐसा पूछ सकते हैं कब पूछ सकते हैं आप हेल्प करना है तो अगर आप हेल्प करे बगैर पूछेंगे तो उसे क्या हो जाएगा उम्मीद हो जाएगी हाँ और केटर क्या तो क्या करेंगे हेल्प करेंगे देखा आपने अच्छा उसके बाद वलिदा वलिधा नबी इल्ला मिन खैर अल्लाह के नबीम ने फरमाया कि आप खामोश रहो खामोशी क्या है भलाई की बात बताओ लेकिन क्या करो हमेशा खामोश रहो मन क्या बिल्ला फल यकुल खैनुत जो अल्लाह ताला पर ईमान रखता है या तो वो अच्छी बात बोले या क्या करे खामोश रह जाए आपको मालूम नहीं दीन के बारे में दीन के बारे में कौन बोलना आलिम बोलना मामूली आदमी क्या करना खामोश रह जाना ये देखिए इसीलिए हदीस में बताया गया एक लंबी हदीसें इन्होंने यहाँ लिखी हैं तो आखिर में वो कहते हैं हसन वाम वरहल वर्का हसन इस्लामर मीन हसन इस्लामर तरक मला इंसान के लिए सबसे बेहतर है कि वो उन चीज़ों से दूर रहे जो उसके सब्जेक्ट की नहीं उसके सब्जेक्ट की नहीं है अल-इस्लामी तो मालूम ये हुआ कि इस्लाम टोटल क्या है महासिन है अच्छी बातें हैं इस्लाम में कोई बात गलत नहीं सारी चीज़ें अच्छी हैं अनमाल फिनी तिन व मिन सब हसन लेकिन अमाल अच्छे बुरे होते हैं कुछ कुछ डीड्स क्या होते हैं अच्छे होते हैं कुछ अमाल बुरे होते हैं अननासिफ़ातलमसलम एक मुसलमान के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए अल अश्तालमूर जो अच्छे अच्छे काम हैं वो क्या करे वो काम करे और जो ख़राब चीजें हैं उसी चीज़ों से दूर रहे जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बड़ी तफसील के साथ बताया है ये देखिए माशाल्लाह मालिक बिन दीनार बड़े अल्लाह वाले हैं क्या बोलते हैं फी अगर आपको लगता है कि आपका दिल पत्थर हो गया है थोड़े लोग बाप मरे तो भी रोना नहीं आता उनको देखा आपने ऐसे लोग फादर मर जाओ अम्मी मर जाओ रोएंगे नहीं उनका दिल क्या हो गया पत्थर कोई बच्चा बीमार हो जा रो नहीं बीवी को क्या तो हो जा रहेंगे नहीं अच्छा जुमे में बैठेंगे सो जाएंगे खतीब खुद बहते रहता उनका दिल क्या हो गया डेड उनका दिल क्या हो गया मर गया उनके तो उनका दिल सख्त हो गया अगर इस तरह का तुम महसूस करो वन फी बदनिक वीकनेस इन योर बॉडी अगर देखो कि तुम्हारा बॉडी क्या है वीक हो रहा है और तुम्हारा दिल क्या हो रहा है सख्त हो रहा है वाहिर तुम्हारे रिस्क में थोड़ा माइनस जाले को है बेपर माइनस में जाले को कितनी चीजें हुई कस्वतन फी कल्बिक। दिल क्या हो गया सख्त हो गया वन फी बदनिक बॉडी क्या हो गई कमजोर हो गई अच्छा वन फी रिस्क हमारा ये रिस्क रिस्क क्या हो रहा है माइनस में लॉस में जा ले को वालम तुम जान लो तफीमा ला आनीक तुम जान लो कि तुमने जबान से ऐसी बातें कही हैं जो तुम्हारे सब्जेक्ट से नहीं कितना बड़ा इश्यू इसलिए कि जबान जो है जीप निवाला इसी से जाता है अगर इस जबान से अगर गलत बातें निकलती हैं तो दूसरी बातें निकलती हैं अल्लाह उस निवाले को क्या करता है छीन लेता है तो एक एक लफ्ज आप जबान से निकालेंगे सोच कर निकालें इसका इफेक्ट क्या कहा जाता है आपके दिल पर आपके बॉडी पर आपके प्रसेप्स यानी रोजी रोटी पर इस सारी चीज़ों पर जो इफेक्ट जो हो असरा आते हैं किस लिए आते हैं आप में आपकी मेरी जबान क्या नहीं है अनकंट्रोल है बहुत बड़ी चीज़ है इसीलिए हम हमेशा दोस्तों से कहते हैं कि जबान हम भरे लोग कुछ भी कहें कि आप क्या भी बोलते नहीं आप गूंगे ही गुंगा समझो मुक्के आ ओ में ही समझो कुछ भी समझो लेकिन मैं बोल कर मैं अपनी रोज़ी क्या नहीं करना चाहता हूँ महरूम नहीं करना चाहता हूँ देखिए उसके बाद वो उसके बाद वो बोलते हैं कि वकाल uh, हसन एक बात उन्होंने एक बात यहाँ पेश किया हसन मिन वसन मिनफ़ी मला अगर आप अल्लाह से हट कर अदर थिंग्स में तवज्जो देंगे तो अल्लाह से क्या करेंगे एराज कर लेंगे अल्लाह ताला से आपकी तवज्जो हट जाएगी वकील अलीमान वकील अलीमान मनरा लुकमान मालूम है कौन है लकमान शुब नबी हैं नहीं हैं लुकमान कुरान में है लेकिन लुकमान नबी नहीं थे लुकमान क्या थे हकीम थे हकीम के माने वाइस मैन यानी अब तमिलनाडु में हमारे हम लोग क्या कहते हैं तमिल में त्रिवलोअर है वो बैठ को लिखते रहता नहीं वो लोगों भी क्या बड़े दिमाग के लोग लेकिन अल्लाह को नहीं पहचान सके लेकिन अच्छे बड़े बुद्धि मंश थे बड़े अकलमंद इंसान थे बड़े पोइट्स थे बड़े शायर थे तो ऐसे ही हर जमाने में लोग रहे तो वैसे ही लकमान हैं उनके बस उसमें लकमान की पूरी नसीहत क्या का जिक्र किया मई कॉल लकमानी ही वो वो याबुनला तोशबिल्ला इन नशर का लजनवीम पूरी चीज़ें बयान की तो लकमान क्या कहते हैं उनसे लोगों ने पूछा कि माँ बालक भी कम आना रहा तो ये जो आपको जो इतना जो अकल है इतनी जो चीज़ें कैसा तुम ना मिली एक अच्छा सवाल है ऐसा सवाल आप कर सकते हैं किसी को अच्छा है तो उन्होंने क्या जवाब दिया देखिए उसका जवाब वो देते हुए कहते हैं सिदकुल हदीफ हदीस सही बात बोलते हैं लुकमान क्या बोलते थे मोमिन के बारे में मोमिन झूठा नहीं होता मोमिन दूसरा क्या भी कर सकता है लेकिन मोमिन क्या नहीं कर सकता है झूठ बात नहीं बोल सकता है अच्छा कल ताली तो में पोष हाँ एक पोष समय तो मोमिन कभी झूठ नहीं बोल सकता है वह अदा लुकमान कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता वह अदा उल आ, अदा इलामाना और अमानत अदा करता हूँ कोई भी क्या भी चीज़ आपके पास यहाँ तक सलफ़ ख्याल करते थे वन थाउजेंड रुपीस अक्रम को दिए वर्वी कपरो मांग रहे हैं हाँ अकरम क्या करते अब उन्हों पूछे अब अच्छा ले लो मैं जो नोट दिया नहीं वो नोट भी वैसा रखते थे वो नोट भी नहीं बदलना ये अमाना क्या है मैं जो अमानत जैसे आपको दिया क्या करें आप वो अमानत वैसे उठा के क्या करें अच्छा मैं नए नोटा दिया तुम्हें मुझे पुराने नोटा दिए तो नोटिस दिए लेकिन अमानत में समथिंग क्या हो गया तो अमानत ये सबसे बड़ी चीज है तो अमानत सिर्फ चीजों में नहीं बातों में भी एक एक मीटिंग है एक ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है सोसाइटी की मीटिंग है कोई भी घर है घर में भी बहुत सारी चीजें अमानत है एक फैमिली मेंबर्स की एक टॉक है फैमिली मेंबर्स ग्रुप है वो ग्रुप में जो बातें होती वो भी क्या है अमानत है अच्छा वाइफ और हस्बैंड की जो बातें होती वो भी क्या है अमानत है बात करो फिर बाहर जाकर उनकी बात उनकी बात अगर फैलाते हैं तो एक खयानत है व तर्क माला यानी और बहुत सारी चीज़ों को मैं छोड़ देता हूँ जो, जो 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 जिसकी ज़रूरत नहीं है तो मालूम यह हुआ कि एक मुसलमान होने के नाते आप ये कोशिश करें कि बेकार बातों से बचें जो बेकार चीज़ें हैं उसमें हम दखल देने की कोशिश ना करें इसलिए कि ये चीज़ें हमसे मुत्ल नहीं हैं इस सिलसिले में हदीत मैंने आपके सामने पढ़ा मिनहसनी इस्लामी तरकह यानी सबसे अच्छा मुसलमान वो है जो उन बातों को छोड़ देता है जो उससे मुत्ल हैं? हैं नहीं हैं इसीलिए कहा कि अल्लाह तबारक ताल ने जो कुरने मजीसुरात आयत नंबर एटीन जिसमें अल्लाह ने कहा कि मालफिगुन कऊलिन आतीत ये आयत हमेशा याद रखें मालफिगुन कौल आपके ज़बान से जो भी बात निकलती है फ़रिश्ता उसे क्या करता है नोट कर लेता है औरत फमनदार दारिक अगर कोई आदमी हमेशा इस आयत को ज़हन में रखे ला इल्ला यालम अन्न कलाम तख्लम आप कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जब भी बात करेंगे समझेंगे कि ये बात मुझे फ़ायदा देती है कि नुकसान देती है तो बर कैफ़ एक लम्बी बहस इन्होंने यहाँ किया है और इसी तरह एक और भी चीज़ हमारे साथ है कि आप जैसे शेख ने यहाँ लिखा है कि ये टॉपिक है बैन बमारी दुनिया व आमरिल आखिर आखिरत और दुनिया के अमल को कैसे आप साथ लेकर चलें हमारे पास ये ना मुश्किल है भाई हमें दुनिया में पढ़े तो आखिरत को भूल जाते हैं आखिरत में पढ़े तो दुनिया को भूल जाते हैं तो आप ये दोनों को लेकर साथ कैसे चलें कल सुनेंगे इनशा इन कल सुनेंगे बर कैफ़ मुझे आपसे उम्मीद है कि इसे अच्छी तरह याद रख लें अपने दिलो दिमाग में बिठा लें मिन हसन इस्लामर तरकहू माला यानी एक अच्छा मुसलमान ऐसे बातों में दखल नहीं देता है जो उससे मतलब नहीं हैं और आज के बाद से जब भी हम जबान से निकालें तो वही बातें निकालें जो हमको फ़ायदा दे सूदमंद हो और सामने वाले गुस्सा भी दिलाते हैं कभी कभार ये बड़ा मुश्किल है हम कितना भी खामोश रहना भी चाहें सामने वाले हमको खामोश रहने नहीं देते हैं खाम दिला कर क्या करते हैं हमारी बदकलामी को सुनना चाहते हैं हमारी आकीबत भी बिगाड़ते हैं खुद भी नुकसान उठाते हैं तो बहरहाल आदमी को हमेशा हर हालत में कंट्रोल में होना चाहिए अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए भले लोग कैसा भी दिलाएं और ये चीज़ शैतान की तरफ से होती है जो आदमी गुस्से में आ जाता है तो इन श्ला कल के दरस में हम सुनेंगे दुनिया तो आमारी आखिर एक अच्छा सा मुसलमान दुनिया और आखिरत को लेकर एक साथ कैसे चलता है हाँ बहुत अच्छी चीज़ है इन शह कल के दरस में हम सुनते हैं अल्लाह ताला मेरी मुझे और आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयों से नवाजे आमीन असलकमल